हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में। मैं आपके साथ मेरा निफ्टी के बारे में और करंट ओवरऑल मार्केट के बारे में ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं। आप लोग देख ही रहे हैं कि फिलहाल मार्केट बहुत डाउन में चल रहा है। लगभग पिछले एक हफ्ते में 2-3-4% मार्केट गिर चुका है। तो इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, मतलब मेरा इस पर क्या थिंकिंग है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे मूव हो रहा है, उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगा कुछ। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, आई थिंक कि जो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, जब यूरोपियन मार्केट हैं, जापान के मार्केट है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो गिरना शुरू हुए थे, उसके साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इसका ट्रम्प से बहुत ज़्यादा लिंक है आई थिंक। और साथ में उसी टाइम हमारे बजट में लगभग मार्च में जो बजट आता है, फरवरी में आता है अभी से, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की शुरुआत हुई थी, आई थिंक वहाँ से इंडियन मार्केट में वो जो डाउन साइड था वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो उस दिन मार्केट गिरा नहीं जिस दिन बजट आया, मगर दूसरे दिन मार्केट ने थोड़ा सा ड्रॉप दिखाया। इंटरनेशनल मार्केट भी दूसरी वजहों से गिर रहे थे उस टाइम। और रिसेंटली अभी जो ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्रेड वॉर शुरू किया है, जिसके अंदर वो जो भी चीज़ें दूसरे देशों से अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट होती है उस पर टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। मतलब अभी उन्होंने स्टील के बारे में शुरू किया था कि स्टील वो लोग जो भी इम्पोर्ट करते हैं इंडिया से, मेक्सिको से, इंडिया से वैसे उनका स्टील ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं होता, मगर कैनेडा वगैरह दूसरे जो कंट्रीज हैं वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, तो उस पर वो लोग टैक्स लगाने वाले हैं। उससे होगा क्या कि जो अगर बाहर से 100 रुपये में चीज़ अंदर आ रही है और उनके कंट्री में भी वही चीज़ 100 रुपये या फिर 110 वगैरह रुपए में मिल रही है, तो लोग ऑब्वियसली जो बाहर से इंपोर्ट की गई सस्ती चीज़ें उसको खरीदेंगे। बट अगर ट्रम्प का जो टैक्स है इंटरनेशनल ट्रेड वॉर के अंदर वो लगा रहे हैं, तो फिर वो चीज़ महंगी हो जाएगी और बाहर के देश से जो भी चीज़ उनके देश में आती है वो महंगी बिकेगी। उसके वजह से अमेरिका के अंदर के रोज़गार बढ़ेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी कुछ उनकी पॉलिसी करने की कोशिशें चालू है। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के जो मार्केट है, जापान, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं वो डाउन में क्लोज हुए। इवन जो निक्केई है वो तो 5% डाउन हुआ है, उनका जो नेशनल इंडेक्स है वो। तो अभी हमारे दिमाग में ऑब्वियसली ये सवाल आता है कि आगे क्या होगा। अभी रिसेंटली तो बैंकिंग फ्रॉड्स एक के बाद एक के बाद, अभी तो आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो यूनियन बैंक ने कुछ FIs फाइल किए, तो उसके वजह से उसका शेयर और टम्बल डाउन हो गया। तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक बहुत स्ट्रेस में आ गए, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, तो उनके तो बहुत सारे लोग प्राइवेट करने की बातें कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चर्चाएँ चालू हैं। तो उस बीच गवर्नमेंट के स्टॉक्स बहुत डाउन हो गए बैंक के। बहुत सारे IPOs भी मार्केट में इस हफ्ते लिस्ट, मतलब फ्लोट किए गए और आने वाले भी अगले हफ्ते भी। उसमें से भारत डायनामिक्स का तो आज IPO, जब तक मैं देख रहा था तो वो लिस्टिंग प्राइस से कम पे लिस्ट हुआ था, मतलब लगभग 15-20 रुपये कम पे लिस्ट हुआ। तो जिन्होंने IPO में लिया रहेगा उनको तो उतना लॉस बुक होगा, तो अगर वो होल्ड करते हैं तो आई डोंट नो आगे क्या होगा। तो आगे क्या निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो एक्चुअली कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100% करेक्ट। सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर सकते हैं। और आप भी निफ्टी के बारे में क्या सोचते हैं, आगे क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू नो योर ओपिनियन, उस पर हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में ये जो क्वार्टर ख़त्म हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो इसके रिजल्ट्स पे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो टाइम है, आने वाला जो निफ्टी का मूव है वो इस पे ही डिपेंड होगा। हमारी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से मार्केट पे डिपेंड है ऐसा मुझे तो लगता है, मगर वो इतनी भी ज़्यादा डिपेंड नहीं कि हम लोग 1-on-1 मूवमेंट करेंगे, मतलब वो बढ़ता है तो हम लोग बढ़ेंगे, वो कम होता है तो हम लोग कम होंगे। हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी बहुत सारा डिपेंडेंस है, तो वो भी आई थिंक कि निफ्टी को ड्राइव करता है। तो आने वाले टाइम में अगर जो ये क्वार्टर की अर्निंग्स कंपनीज के अच्छी आती है, तो आई थिंक आने वाले टाइम में
निफ्टी को उसका सपोर्ट मिल सकता है, निफ्टी बढ़ भी सकता है उसके वजह से। और इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, या फिर किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अब तक कुछ कंपनीज़ के एनुअल रिपोर्ट स्टडी किए, उनके फंडामेंटल टेक्निकल साइड्स के बारे में मेरे ओपिनियन शेयर किए, तो आप अगर वैसा और चाहते हैं या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना खुद के जो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कोई कहता है कि कोई ये एक टिप्स दे देता है कि ये शेयर खरीद लो ये बढ़ जाएगा, वो कहता है कि वो शेयर कम होगा, तो आई डोंट थिंक कि ये फॉलो करना सही होगा। आप अगर एक प्रामाणिक वित्त सलाहकार की राय लेंगे और खुद के दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आई थिंक आपके डिसीजन ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। और अभी भी गिरते मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो अभी भी उनके टॉप वैल्यूएशन पे बने हुए हैं, तो उसमें अगर छोटा मोटा करेक्शन आता है तो एटलीस्ट मैं तो बाय करना प्रेफर करूँगा। बाकी आप खुद के चॉइस से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मेरा इस वीक मैंने जो ऑब्जर्व किया निफ्टी या फिर ओवरऑल मार्केट के बारे में, मेरे ओपिनियंस मैंने शेयर किए, आप भी अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच शेयर मार्केट फ्रेंड को सुनने के लिए। थैंक यू।